हाय गाइस, नमस्ते। जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करेंगे अगले हफ्ते की एनर्जी कैसी रहने वाली है, विच मीन्स 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक क्या क्या होने वाला है। और उम्मीद करती हूँ आपने पिछले हफ्ते की वीडियोस देखी हो, नहीं देखी हो तो प्लीज देखिए। और हर दिन के इवेंट के साथ मैच करेंगे तो आपको यू विल बी सरप्राइज टू सी लाइक आई वॉज। और लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और अगर हो सके तो प्लीज वीडियोज को औरों के साथ भी शेयर करें। आप पुरानी वीडियोज एज रेफरेंस शेयर कर सकते हैं कि ये चीजें वाकई में हो रही है लाइफ में भी और अदरवाइज भी, तो एक तरह से एक गाइडेंस मिल सकती है कि क्या होने वाला है। और एक पहले से पता होता है तो इंसान पहले प्रिपेयर्ड रहता है बहुत सारी चीजों के लिए। सो लेट्स सी कि 4 जुलाई से लेकर और 10 जुलाई तक की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। सो एंजल्स 4th to 10th जुलाई। एक चीज जो मेरे माइंड में बार बार आ रही थी वो था पास्ट कमिंग बैक, और इसीलिए मैंने बिफोर टैरो जो है वो उठाए, बिकॉज इट इज बिफोर द टैरोज वर क्रिएटेड। तो उससे पहले क्या हुआ था, पहले की स्टोरी, राइट? सो पहली स्टोरी वाली फील जो है वो डेफिनेटली आ रही है। सो लेट्स सी 4th to 10th of July गाइड्स एंजल, व्हाट इज गोइंग टू हैपन 4th of July to 10th of July, 4 जुलाई से 10 जुलाई तक क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, सो क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सो लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड जो आया वो चैरिट का कार्ड आया है, और चैरिट का कार्ड जो है वो बेसिकली अपने रथ में बैठने का कार्ड है, जहाँ पे जो किंग है या जो राजकुमार है या जो अथॉरिटी है वो फाइनली अपने रथ में आकर बैठने लगी है। उसके स्फिंक्स जो है वो तैयार है दोनों, और वो भी अपना रथ चलाने के लिए तैयार है। तो किसी चीज़ की शुरुआत होना, किसी चीज़ के पावर में आना, किसी चीज़ का सत्ता परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है, हम देख ही रहे हैं। तो उसी का जो एक इम्पैक्ट है वो हमें 4th को देखने को मिलेगा, जहाँ पे 4th मतलब मुझे वो टाइमलाइन लग रहा है जहाँ पे कोई पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होगा अपने रथ में बैठने के लिए और उस रथ को आगे बढ़ाने के लिए। तो पावर जो है अपने हाथ में लेकर पूरी तरह आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो मुझे लगता है कि 4th जुलाई से वो टाइम पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है, 4th to 10th of July, एंड दिस इज अराउंड 7 जुलाई, जहाँ पे आप किसी नए मिशन के लिए, किसी नए वर्क के लिए, किसी नई सिचुएशन के लिए, किसी नई जंग के लिए, किसी नई फाइट के लिए, किसी नई सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड होंगे और उसके लिए मूव करना शुरू करेंगे। दिस ऑल्सो लुक्स लाइक गोइंग टू वॉर सिचुएशन। सेकेंड जो है कार्ड यहाँ पे डेथ कार्ड है, और अगर आप देखें तो डेथ कार्ड अपना झंडा, डेथ अपना झंडा फहरा रही है, और यहाँ पे बहुत सारी सोल्स की लाइट आपको दिखाई देगी। इफ यू सी, बहुत सारी ग्रेव्स में से सोल्स की रोशनी जो है वो बाहर आ रही है। यू कैन सी दैट, जो ब्लू ब्लू रोशनी है, थोड़ा थोड़ा ब्लू ब्लू है, वो बहुत सारे सोल्स से उनकी रोशनी जो है बाहर आ रही है, विच मीन्स बहुत सारी सोल्स की पावर जो है, इनर पावर जो है वो जिंदा हो रही है, वो बाहर निकल रही है। इट इज एग्जैक्टली लाइक डेट कमिंग अलाइव, या इट इज एग्जैक्टली लाइक जहां पे आपकी आत्मा जो है वो अपनी एनर्जी को एक बार फिर से महसूस करती है। तो डेथ की एनर्जी है, और डेथ और रीबर्थ की एनर्जी जो है वो कंबाइंड है। डेथ अपने एरिया में घूम रही है और वो देख रही है कि जो मरे हुए थे बहुत सारी सोल्स, वो तैयार हैं एक नई लाइफ के लिए, उनकी एनर्जी जो है वो बाहर आ रही है। सो दिस इज सो ब्यूटिफुल, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीबर्थ जो मुझे दिखाई दे रहा है अगले एक हफ्ते में। 4 तारीख से 10 तारीख के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रांग रीबर्थ की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। एंड दिस रीबर्थ इज लाइक टेकिंग ऑन द डेविल, लाइक टेकिंग हेड्स ऑन डेविल को, बिल्कुल हेड्स ऑन लेना, क्योंकि ये वुल्फ जो है इस पे अटैक कर रहा है और ये अपने मुक्के बना के बिल्कुल तैयार है कि आ जा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी, क्योंकि इफ यू सी ओवरऑल चारों तरफ की एनर्जी जो है वो उस तरह की लग रही है, वेयर द अथॉरिटी इज द पावर, द एनर्जी, द पीपल, द डिफेंस, द यू, एवरीबडी इज रेडी टू टेक थिंग्स हेड ऑन, लाइक कंप्लीटली टेक थिंग्स हेड ऑन की ठीक है, देखा जाएगा जो होगा, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे वाली एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। इट इज लाइक स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू,
इट इज़ लाइक बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू, एक तरह से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये डॉग जो है ये बर्फ में था, बहुत समय से इसको हेल्प नहीं मिल रही थी, यहाँ पे उसको एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है जहां से वो मदद ले सकता है, जहां पे उसको मदद मिल सकती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है उसका क्राउन उसको वापस मिल रहा है, सो दैट क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो जो डिसीजन उसको लेने हैं वो डिसीजन ले ले। यहाँ पे फोर ऑफ कॉइन्स है, इसको तीन कॉइन्स लोग देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये किंग जो है वो उनके सिर्फ एक कार्ड है जो उल्टा था, तो बेसिकली वो किंग जो है वो उनके हिसाब से डिसीजन ले। ये कुछ लोग अपने अपने प्रेयर्स, अपने मनी, अपना जो भी है सब कुछ सौंपने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम सब ले लो लेकिन हमें बचा लो, राइट, दैट एनर्जी। बट ह्योर द एनर्जीज आर वेरी क्लियर दैट एक नया प्रोसेशन, एक नई सेलिब्रेशन, एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग, एक नई चॉइस जो है वो देखने को मिलेगी। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ पास्ट कमिंग बैक, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ पास्ट कमिंग बैक। दिस इज हर्मिट जो स्टार पकड़ के लालटेन में स्टार डालने के लिए बिल्कुल तैयार है, एंड दिस इज दैट हैप्पी होम की एनर्जी जहां बारिश हो रही है और ये सब अपने घर की तरफ भाग रहे हैं टू टेक दैट शेल्टर। सो एक तरह से वेरी वेरी पावरफुल एनर्जीज, क्योंकि यहां पे कुछ रह गया है पीछे, यू सी हियर देयर इज अ स्नेल। वैसे इस कार्ड में स्नेल नहीं होती है बट इट फील्स लाइक देयर इज अ स्नेल लाइक थिंग और समथिंग दैट इज दैट हैज they've left on the floor, so भागते भागते कुछ रह गया है। सो ओके, सो पावरफुल एनर्जीज। और अगले हफ्ते की एनर्जीज के लिए मैं आपको सबसे पहले तो आपकी लाइफ से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले तो एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है, किसी चीज को लेकर आप चार्ज ले सकते हो सिचुएशन का, किसी चीज को लेकर अगर हेल्प की जरूरत पड़ रही थी आपको वो हेल्प आपकी तरफ आ सकती है, कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन जो है वो आपको हेड्स ऑन लेनी पड़ेगी सामने से, तो कोई चैलेंज जो है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप में आपसे कुछ छीन लिया गया था, आपसे कुछ ले लिया गया था, कोई चीज कंप्लीट नहीं हो रही थी, आपको आपका ड्यू नहीं मिल रहा था, आपको आपका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, आपको आपकी रिकग्निशन नहीं मिल रही थी, तो दैट इज गोइंग टू कम बैक टू यू, पीपल आर गोइंग टू ट्राई टू प्लीज यू, आपको खुश करने की कोशिश की जाएगी। एक नई बिगिनिंग, एक नई सेलिब्रेशन के लिए प्रिपरेशन जो है वो होगी। कहीं वो जो स्टार होता है हर्मिट का स्टार है, तो विच मीन्स जो नॉलेज की एबिलिटी है, जो लाइट की एबिलिटी है, जो शाइन करने की एबिलिटी है, वो वापस आप गेन कर पाओगे। एंड द ओनली थिंग इज, क्योंकि लास्ट में टेन ऑफ कप्स है, हैप्पी होम का कार्ड होता है, लेकिन यहां पे वो बारिश से भाग रहे हैं, तो एक छोटी सी सिचुएशन या एक छोटा सा ट्विस्ट ऐसा हो सकता है जहां पे एक डिफिकल्ट सिचुएशन से आपको निकलना पड़े, लेकिन एक्चुअली फैमिली बारिश एंजॉय भी करती है, तो इसलिए ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी बहुत पावरफुल मुझे लग रही है। हेल्थ को लेकर अगर अगले हफ्ते मैं बोलूं तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं मुझे दिखाई दे रहा है हेल्थ को लेकर, लेकिन थोड़ी सी एक्सरसाइजिंग, थोड़ी सी रूटीन जो है उसको फॉलो करना जरूरी रहेगा। और अगर किसी भी तरह का आपको हार्ट का इश्यू है, सर्जरी का कोई प्रोसेस होना है या होना या आप डिले कर रहे हो, तो अब टाइम है जब उसको एड्रेस करोगे। कोई हेल्थ इश्यू है तो उसको एड्रेस करने का टाइम भी है। और रिलेशनशिप्स में बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि कोई पुरानी रिलेशनशिप जो है वो प्रिपेयर हो रही है वापस आने के लिए। हाँ, फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है या थोड़ा सा सेफ गार्ड करने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, बारिशें जो है वो शुरू हो सकती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय 10th, मतलब लास्ट डे है ये 10th है, ये लास्ट डे है, तो लास्ट डे के आसपास कुछ ऐसा हो सकता है या कोई ऐसी चीज हो सकती है या कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा मौसम में चेंज हो सकता है जो बहुत डिफिकल्ट हो हैंडल करना है, या कुछ लोगों को पे इतना स्ट्रांग एनर्जी आए कि कुछ लोगों को भागना पड़े। और अगर मैं यहां देखूं, क्योंकि कैलेंडर मेरे पास खुला रहता है, तो 10 को बकर ईद है, 10 को ईद है, तो 10 को कुछ चैलेंज जो है मुझे दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। और आई जस्ट वांट टू टेक आउट वन मोर क्लैरिफायर फॉर दिस चैलेंज, क्योंकि ये वैसे तो हैप्पी होम का कार्ड है, लेकिन अ सेलिब्रेशन दैट इज स्पॉइल्ड मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये Yes, so it is like preparation of that heartbreak. यहाँ पे तलवारें अभी दिल में गई नहीं है, एक कौआ है वो पहले से वार्निंग साइन दे रहा है कि समझ जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ, और अगर समझ के सुधर के नहीं संभलेंगे तो then the heart will be pierced. So I think that's the energy. It is like you take a shelter and you safeguard yourself before something drastically strong happens. So उस तरह की एनर्जी है कि इससे पहले कि कुछ बहुत drastically strong हो जाए,
शेल्टर लें और अपने आप को बैलेंस कर लें। और जो बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप इंतजार कर रहे हो, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो पॉलिटिकल चेंजेस और वो सब हो रहे हैं, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नया चार्ज जो हाथ में आएगा उसके आते ही कुछ पुराने चीज़ें जो हैं वो बाहर निकलेंगी, कब्र से बहुत सारे राज बाहर निकलेंगे। हाँ, ये राज को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और मुझे थोड़ी सी वॉर लाइक सिचुएशन, इंटरनल वॉर लाइक सिचुएशन, एक डिफिकल्ट सिचुएशन लग रही है, लेकिन वो डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छे से हैंडल होगी। एजेंसीज जो है अपने पावर में वापस आएंगी, तो आपको एजेंसीज की तरफ से भी कुछ आता हुआ दिखाई देगा। और यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एजेंसीज अपनी पावर में वापस आएंगे तो बहुत सारे लोग जो है नी डाउन एजेंसीज के आगे आएंगे कि हमें बचा लो, हमें ये मत करो, हमारा सच सामने मत लाओ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उस मूड में नहीं है कि वो सुने और पुराने बहुत सारे किस्से जो है वो कुरेद कर फूल जो है बाहर लगाए जाएंगे, उस स्टार को लाया जाएगा और देन यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ एक्शन हैपनिंग इन दिस वन वीक। एक कार्ड जो है वो मैं यहाँ से निकालूंगी ओशो से, और फिर एक कार्ड जो है मैं आकाशिक टैरो से भी निकालूंगी क्योंकि मैंने निकाल के रखा है वो ऑलरेडी, सो देयर इज अ मैसेज फॉर श्योर। सो लेट्स सी एक या दो कार्ड क्या नाम दे सकते हैं हम इस हफ्ते को, 4 से 10 जो है वो किस चीज का हफ्ता होगा, एंड लेट्स सी 4 से 10 किस चीज का हफ्ता होगा। माइंड बॉगलिंग, दिमाग के पर खच्चे उड़ जाएंगे, दिमाग में टावर फूट जाएंगे, देर आर गोइंग टू बी सो मेनी थिंग्स दैट योर माइंड विल नॉट नो वेयर टू फोकस, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, इट इज ऑल माइंड गेम, इट इज ऑल द टावर्स बींग ब्लास्टेड। इफ यू सी, इतने सारे टावर ब्लास्ट हो रहे हैं कि माइंड को भी पता नहीं लग रहा है कहाँ फोकस करना है। इट इज गोइंग टू बी अ बिग बिग माइंड ब्लोइंग वीक, मतलब मैं लिटरली, मुझे ऐसे लग रहा है, जस्ट वॉन्ट टू टेक अ क्लैरिफिकेशन बिकॉज माइंड बॉगलिंग और माइंड ब्लोइंग जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एंड येस इट इज गोइंग टू बी माइंड बॉगलिंग फॉर वंस जो डिवाइन गाइडेंस के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, और इट इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग फॉर वंस जो डिवाइन गाइडेंस के हिसाब से चल रहे हैं। सो डिवाइन गाइडेंस के अगर आप हिसाब से चल रहे हो तो माइंड ब्लोइंग वीक है ये आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है दे आर गोइंग टू ब्लो योर माइंड ऑफ। लेट्स सी आकाशिक रिकॉर्ड से क्या मैसेज आता है और कौन सा आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो खुलने वाला है इस हफ्ते। 4 से 10 कौन सा आकाशिक रिकॉर्ड खुलने वाला है 4 से 10। वाओ, ओके, सो दिस इज सेल्फ द म्यूज, ओके, एंड हम जानते हैं द म्यूजिंग किसके बारे में हम बात करते हैं जब म्यूज के बारे में बात करते हैं, एंड दिस इज द म्यूज, और यहाँ पे वॉर है। मुझे, मैं ये कार्ड देख रही थी, मतलब लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन जैसे मैं शफल कर रही थी मुझे ये कार्ड अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। इट इज एग्जैक्टली दैट एनर्जी जहां पे द फाइट इज काइंड ऑफ ऑलमोस्ट ऑन, इन लोगों ने अपना झंडा पहले ही नीचे कर लिया है, देर इज अ झंडा जो फहरा रहा है, देर इज अ झंडा जो गिर चुका है। सो इफ यू सी, जिनके पास ज्यादा बड़ा किला था उन्होंने अपना झंडा नीचे कर लिया है ऑलरेडी, जिनके पास छोटू सा किला है उनका झंडा अभी भी ऊपर है, और यहाँ पे जो बीच की पार्टीज थी वो अपना झंडा गिराकर चले गए हैं। सो दिस इज अ फाइट एनर्जी और आकाशिक फील्ड का ओपन अप होने की एनर्जी। नाउ व्हाट बेटर कैन यू आस्क ऑफ, और जब आकाशिक फील्ड ओपन अप हो जाती है, नए पास जो है वो खुलने की एनर्जी, एंड देन लास्ट में द किंग ऑफ कीज, किंग ऑफ कीज किंग ऑफ पेंटिकल होता है वैसे, पर यहाँ पर किंग ऑफ कीज जो है वो सफेद घोड़े पर आ रहा है और अपनी सल्तनत जो है उसकी तरफ देख रहा है दूर से, और इट फील्स लाइक नए रास्ते खुलना, नए एनर्जीज का बिगिन होना, नए पाथ्स का ओपन होना, नई ऑप्शंस का आना। दिस वीक इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट, मुझे वॉर लाइक एनर्जी भी दिखाई दे रही है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह से हो सकती है, लेकिन उस वॉर एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि कोई हथियार डाल देगा, नए आकाशिक फील्ड विच मीन्स पुराने रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत सारे बाहर आने वाले हैं, पुराने रिकॉर्ड से बहुत कुछ खुल के बाहर आने वाला है। आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं जहां पे बेसिकली आपके सारे कच्चे रखे गए होते हैं, आपने अभी तक क्या किया है, क्या कांड किए हैं, क्या कर्म किए हैं, सब कुछ होता है वहां पे, और वो फील्ड जब ओपन अप हो जाएगी तो सब कुछ बाहर आएगा। और द म्यूज इज द म्यूजिंग, द वन हु यूज्ड इट वेरी मच, एंड योर इंटरनल एनर्जी, सच की एनर्जी, ट्रुथ की एनर्जी, सोल की एनर्जी, दैट इज गोइंग टू ग्रो बिग टाइम। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, ब्यूटिफुल कार्ड्स, और अब देखते हैं एक एक दिन करके कि कैसा रहने वाला है आने वाला एक एक दिन जो है उसकी एनर्जी कैसी होने वाली है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं तीनों डेक से एक एक कार्ड लूँ सो दैट वी गेट लाइक अ कम्प्लीट पिक्चर कि क्या क्या होने वाला है, एक एक दिन की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। सो लेट्स जस्ट begin with the energy of 4th of July.
सो लेट्स सी 4th of July की एनर्जी कैसी रहने वाली है. सो गाइड्स एंजल्स, 4th of July क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए. 4th of July इज मंडे. 4th of July की एनर्जी कैसे रहने वाली है. ऐसे लग रहा है कि अभी दिन जो है ना वो कुछ ज्यादा ही स्पीड से जा रहे हैं. सो लेट्स सी 4th of July. ओके, द फिश कमिंग आउट. ओके, लेट मी टेक आउट कार्ड्स प्रॉपर. 4th of July का अगर की वर्ड होगा तो क्या होगा. 4th of July, वट इज द की वर्ड फॉर 4th of July. ओके, सो वी हैव द की वर्ड एंड आकाशिक फील्ड क्या आने वाला है 4th of July. एंजल्स, ओके, बड़ा खतरनाक तरीके से उछल के गया कार्ड और यू विल लव दिस कार्ड दैट हैज कम. ओके, सो 4th of July फर्स्ट कार्ड है. फिश जो है वो कप से बाहर छलांग मार रही है और बहुत लोग जो है उस फिश को रोकने की कोशिश करने वाले हैं. तो इट फील्स लाइक कुछ जो है वो बहुत स्ट्रांग जो है बाहर निकल कर आने वाला है. इट इज ऑल्सो लाइक अ न्यू किंग राइजिंग, या एक नई अथॉरिटी, एक नई पावर का आना और दूसरे लोगों का उसको सपोर्ट करना, अपना हिस्सा देकर कि हाँ चलो हम भी अपना हिस्सा तुम्हें देते हैं और तुम्हें सपोर्ट करते हैं. बट द पॉइंट इज कि ये जो किंग सत्ता में आ रहा है या उसमें आ रहा है, अगर ये इन कॉइन्स को बहुत कस के पकड़ के बैठ जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा जो उसको करना है. सो दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम टू टेक द वाइज डिसीजन. सो इस टाइम पे सबसे ज्यादा उथल पुथल महाराष्ट्र में है. महाराष्ट्र में जो भी नया सीएम आता है, बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है देखने का कि किससे सपोर्ट लेनी है, किससे नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बंद जाए दोबारा से. और क्योंकि यहां पर मुझे फिश कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ कप की एनर्जी, फिश जंपिंग आउट ऑफ द कप की एनर्जी है, तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत स्ट्रांग बाहर निकल के आने वाला है, कुछ नया ही निकल के आने वाला है, कुछ अनएक्सपेक्टेड ही निकल के आने वाला है. आपकी लाइफ की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिजर्व करते थे आप, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी प्रेज, बहुत सारी रिटर्न जो है वो आपकी तरफ लेके आएंगे. बट आउट ऑफ बॉक्स कुछ आपके लाइफ में होने वाला है, आउट ऑफ बॉक्स कोई एनर्जी आने वाली है. हो सकता है जगह चेंज हो आपकी, कोई ट्रैवल करें आप, कोई शिफ्टिंग करें आप, क्योंकि वो फिश जो है वो कप से बाहर निकलकर पानी में जाने की कोशिश कर रही है क्योंकि कप में आ गई है और फिश थोड़ी सी हैरान परेशान है. तो थोड़ी सी कुछ हैरानी वाली एनर्जी, कुछ थोड़ी सी कुछ परेशानी वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है. बहुत सारे लोग अगर अपनी विशेज या अपनी रिक्वेस्ट लेकर आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको किसको तवज्जो देना है, किसको नहीं देना है. थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा क्योंकि यहां पे आउट ऑफ द बॉक्स कोई एनर्जी, आउट ऑफ द बॉक्स कोई बिगनिंग जो आ सकती है और आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली ट्रिगर हो सकते हैं. तो अपने इमोशंस को बैलेंस रखना जो है एक और चीज है जो मुझे यहां दिखाई दे रही है. टर्निंग इन, ब्यूटिफुल कार्ड. और फोर्थ की अगर एनर्जी बोलो तो टर्निंग इन की एनर्जी है, विच मीन्स आपके आसपास बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी आवाजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी अच्छी और बुरी चीजें, और आपको अपने अंदर कंप्लीट बैलेंस में रहना है, कंप्लीट सेरेनिटी में रहना है, कंप्लीट इंटरनल एनर्जी में रहना है, अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है. फ्लो लाइक वाटर, वाटर बहुत स्ट्रांग आया है. तो मुझे 1st July को अगर वाटर से रिलेटेड कुछ होता है तो मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि वाटर बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहां पे दिखाई दे रही है. दिस इज लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज कंप्लीटली बिकम वाटर. फ्लो की एनर्जी में रहना है. मेडिटेशन जरूर करनी है. 4th को मेडिटेशन मिस नहीं करनी है आपने. अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो 7 बजे वाला लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मेडिटेशन होती है, वो करिए. लेकिन मेडिटेशन जरूर करनी है. और मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग बहुत सारी सलाह देने वाले हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट लेकर आने वाले हैं, बहुत सारी थॉट्स लेकर आने वाले हैं. आपको अपने मन की सुननी है. डोंट लिसन टू एनीवन और एनीथिंग. एंड द लास्ट कार्ड इज द किंग ऑफ सोर्ड्स. किंग ऑफ फोर्सेस, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यहां पे किंग ऑफ सोर्ड्स जो है इवेलुएट कर रहा है. उसके पास स्ट्रेंथ है, उसके पास पावर है, उसके पास ग्रुप है, उसके पास लीप की एनर्जी है. एक नया जो राइज है वो हो रहा है, एक नई डायमेंशन जो है ओपन हो रही है. और यहां से अपने आप ही कुछ नीचे गिर गया. इट इज लाइक समबडी, समथिंग इज फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द स्काई. आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट. ओके, इट फील्स लाइक समथिंग इज फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द स्काई. आसमान से कुछ धरती पर गिरने वाला है या आसमान से कुछ धरती पर आने वाला है. एंड इट फील्स लाइक अ न्यू फ्लो. और किंग ऑफ फोर्सेस का जो कार्ड है उसका मैं थोड़ा सा आपको बुक से मैं जरूर देखना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट आई शुड नॉट इग्नोर वट इज रिटन इन द बुक इन दिस केस. और मैं नहीं इग्नोर करूंगी डेफिनेटली. सो लेट मी फाइंड आउट द किंग ऑफ फोर्सेस. थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा बट मिल जाएगा. ओके, सो मैं थोड़ा आगे कम बैठ रही हूँ क्योंकि मेरी बैक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है. तो
मैं ऐसे ही बताती हूँ आपको, किंग ऑफ फोर्सेस जो है ये कार्ड इंडिकेट करता है एक ऐसे पर्सन की प्रेजेंस जो पावरफुल है, जिसकी एनर्जी पॉजिटिव है, जो गुड इंटेंशन के साथ आता है, जो ऑनेस्टी है, जो जेंटलनेस जो है उसके साथ रेजोनेट होती है। और अगर आप इसको नहीं जानते हैं अभी, ये एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है और आप इसको जानेंगे, ये सपोर्ट ला सकता है, स्पेशल प्रोजेक्ट ला सकता है, स्पेशल वर्क या लाइफ में आपकी लाइफ में कोई स्पेशल वर्क इशू ला सकता है, ये कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है हु इज इट इज लाइक रिसीविंग द मैन ऑफ ऑनर, उस तरह की एनर्जी। और अगर आपके इफ यू और अ मैन अराउंड यू, अगर फॉर यू, अगर आप मतलब एक मेल है या आपके आसपास कोई मेल है, तो ये एनर्जी आपके करियर में किसी चेंज की एनर्जी जो है वो हो सकती है। और अर्थ साइंसेज में इंटरेस्ट होना, जूलॉजी में इंटरेस्ट होना, इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रोनॉमी, दिस इज ऑल अबाउट सुशांत गॉड। ओके, सो ये जो कार्ड है ये रिवील करता है एक इम्पॉर्टेंट साइड आपकी जो सामने आएगी, और बैलेंस जो है उसको रखना जरूरी होगा। सो इट इज आई जस्ट फील दैट कुछ बहुत स्ट्रांग जो है वो सामने आने वाला है, और जो फोर्थ की एनर्जी होने वाली है वहां पे आपको कुछ इंटरनल मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो आपके सामने आने वाली है और कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। लेट्स सी व्हाट इज द चार्म दैट यू गेट फॉर 4th of July 2022 गाइड्स एंजल्स। फोर्थ, वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। लव, लव इज कमिंग योर वे। ओके, सो बी रेडी फॉर लव, ऑल द वेरी बेस्ट, और बी रेडी फॉर लव, एंड लेट्स सी 5th की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। ओके गाइज, सो लेट्स सी 5th of July की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 4th की बहुत अमेजिंग है, लेट्स सी 5th क्या लाने वाला है। 5th of July 2022 गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन 5th of July 2022, व्हाट डू वी नीड टू नो 5th of July 2022, क्या होने वाला है, व्हाट इज द एनर्जी लाइक 5th of July 2022, what is the energy like, what is going to happen. Okay, let's see 5th of July, what is the theme of the day 5th of July. Okay, 5th of July, Akashic Record, what is going to open. Okay, so ये एक चीज 4th of July की मैं ये भी बता दूं कि हो सकता है कि सुशांत से रिलेटेड कोई चीज जो है वो शुरू हो जाए, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड है, आकाशिक रिकॉर्ड है, आकाशिक रिकॉर्ड पुरानी रिकॉर्ड्स का ओपन अप होना होता है, और किंग ऑफ सोर्ड की सारी एनर्जीज जो है वो सुशांत के साथ कनेक्ट करती है। ओके, 5th of July, किंग ऑफ कप्स जो है वो वेट कर रहा है यहाँ पर, यहाँ मछली जो है वो छलांग मार चुकी है, और किंग ऑफ कप्स अपने कप के लिए इंतजार कर रहा है कि जब उसके हाथ में कप आए तो वो अपना एक्शन जो है शुरू करे। पैर जो है ऑलरेडी उतरने की एनर्जी में आ चुका है, और किंग ऑफ कप्स का कप जो है वो किंग ऑफ कप्स के पास आ रहा है। और यहाँ पर इफ यू सी 10 of Cups की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स का कप किंग ऑफ कप्स के हाथ में आते ही बहुत सारे लोगों पे रेनफॉल होने वाला है, बहुत सारे लोगों को अपने और अपने परिवार को बचाकर भागने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज जो मुझे 5th को दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि कोई बहुत पावरफुल एक्शन होने वाला है, और उस पावरफुल एक्शन के कारण बहुत सारे लोग जो है वो अपने घर परिवार को लेकर भागने वाले हैं, अपने आप को बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए। बट बारिश जब गिरती है तो भीगना तो पड़ता है, तो आप जितना मर्जी तेज भागें, घर थोड़ा दूर लग रहा है, भीग तो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग भीगने वाले हैं, बहुत सारे लोग एक तो लिटरल बारिश या मौसम में चेंज जो है वो स्टार्ट हो सकता है, बारिशें ज्यादा स्टार्ट हो सकती हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी भीगने की एनर्जी मुझे इस तरह से भी लग रही है कि अथॉरिटीज कुछ लोगों पर एक्शन ले सकती है, और वो लोग जो है वो भागने के चक्कर में हो सकते हैं, लेकिन विद परिवार वो भाग नहीं पाएंगे। दूसरा, अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिए इस टाइम पे। तीसरा, आपको कोई, जैसे मैंने बोला कि पिछले कार्ड में भी आया कोई रिवॉर्ड, कोई रिकग्निशन, कोई पावर, कोई अथॉरिटी, तो कोई चीज अगर आपके आपसे खोई हुई थी तो वो आपको वापस मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहें मौसम के बारे में। अगर आपने कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, घूमना है, पता करके जाएं मौसम के बारे में, अपने आप को किसी मुसीबत में ना डालें, थोड़ा सा ये ध्यान रखें। नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ द डे, द बर्डन, एंड इफ यू सी ये 5+1 6 की एनर्जी है, ये फिर से 6 की एनर्जी है, और बर्डन का कार्ड है, और ये बर्डन क्या है, ये एक पर्सन है, इसको लगा कि इसको मुर्गा मिल सकता है, और मुर्गे के लिए इस जोकर ने बोला कि मुझे कैरी करो अपनी पीठ पे और मैं तुम्हें मुर्गा दे दूंगा। इसने इस जोकर को उठाया, जोकर ने मुर्गे को उठाया। अब इसका एक्चुअली मोटिव तो मुर्गा है, लेकिन ये जोकर इसको इतने दूर तक ले आया है और इतना एग्जॉस्ट कर चुका है कि अब ये कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है, अब ये आगे नहीं बढ़ना चाहता है। सो कोई चीज जो आपका एसेट थी, जो आपको लग रहा था कि आपको उसमें से फायदा मिलेगा या आपको लग रहा था कि उसमें से कोई बेनिफिट निकल के आएगा, वो एक्चुअली बर्डन बन गया है। तो ये जो है 6 of Swords की एनर्जी है, वैसे ट्रैवल की एनर्जी
एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए लालच जो है वो बर्डन बन सकता है। तो सबसे पहले आप लोग लालच में ना आए, और दूसरा कि ऑलरेडी जो लोग लालच में थे उनके लिए बर्डन की एनर्जी है, नाउ दे आर गोइंग टू गेट एग्जॉस्टेड, उनको पता ही नहीं होगा कि अब आगे कैसे चुनना है, अब आगे क्या करना है, बिकॉज दे आर गोइंग टू लूज इट ऑल, वो मुर्गा भी नहीं मिलने वाला। और आकाशिक फील्ड द गार्डन एनर्जी है, 3-5 ऑफ रोजेस की एनर्जी है, और अगर यहाँ पे देखें तो गार्डन में दो बच्चे हैं, लेकिन दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। एक है जो गुलेल लेकर पंछियों को मारने की कोशिश कर रहा है, निशाना लगा रहा है, और एक है जो ग्लास लेकर, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर बटरफ्लाई को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है कि बटरफ्लाई कैसी है। तो गार्डन, द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी लाइक अ गार्डन, और आप उस गार्डन में अलग अलग तरह के लोगों को देख पाएंगे जो दूसरों को मारने की कोशिश कर रहे थे या दूसरों को कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे थे, और उनको भी जो एक्चुअली ब्यूटी को, ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे थे। तो वो डिफ्रेंसिएशन जो है वो और ज्यादा साफ होने वाला है, रिकॉर्ड्स जो है वो निकलने वाले हैं कि किसके हाथ में गुलेल थी, किसके हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास था, तो आप वो चीजें जो है वो भी देखने वाले हैं। और फाइव की, इफ यू सी, वी स्टार्टेड विद 5 की एनर्जी, वी एंडेड विद 5 की एनर्जी, और 6 के बाद 5 है, और यहाँ पे भी टोटल 6 बनता है, और 5 जो किंग जो है वो 14 नंबर का कार्ड होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट योर गार्डन, लाइक आपका गार्डन आपका अपनी एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं आपके अंदर आपका सोल जो है, आपकी एक्शंस जो है वो भी आपका गार्डन होते हैं, और आपको अब चॉइस करनी है कि आपने अपने पुराने पास्ट में क्या किया है और उसको आप आगे कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इफ देयर इज एनीथिंग that you've done wrong, then it is time कि आप उसको छोड़ दें। अगर कुछ भी गलत किया है तो टाइम है आप उसको बदल दें और उस बर्डन को कैरी ना करें। तो बर्डन रिलीज करने का दिन जो है वो मुझे लग रहा है। Let's see what do we get from here. Okay, मैं एक उठा रही थी लेकिन दो आए, और it is exactly like cutting the cords. ये बर्डन को कट करने की एनर्जी है, और कैंची है, सीजर है, और सीजर जो है वो काटती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑलरेडी वो बर्डन जो है उसको कट करने की एनर्जी आ गई है। तो कुछ लोगों का बर्डन जो है वो कट होने वाला है, और यहाँ पे ये स्नेल टाइप की एनर्जी है, स्पाइरल की एनर्जी है। आई ऑल्सो सी दिस एज एन एस, मुझे वैसा भी दिखाई देता है ये, बट इट फील्स लाइक समथिंग इज गोइंग टू गेट इन टू फोकस। कहीं एक मोमेंटम की एनर्जी है, जो स्लो मोमेंटम था उसमें फास्ट एक स्पीड जो है वो थोड़ी सी आने की एनर्जी है, एंड आई थिंक इट हैज टू स्पाइरल्स। सो कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे सारी मूवमेंट की एनर्जी है, क्योंकि यहां पे अगर आप देखो तो ये स्पाइरल ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो गया है, बिकॉज एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स दैट, सो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी ऑल राउंड। सो एक चेंज शेप, सिचुएशन चेंज होने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो आई डू सी देयर इज अ चेंज, और समथिंग इज गोइंग टू बी कट ऑफ, कुछ जो है वो बहुत स्ट्रांगली कट ऑफ किया जाने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है, और लेट्स सी कि 6th की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। और अगर हो सके तो वीडियो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुंचाएं, एक मिनट लगता है बट इट रियली हेल्प्स। सो लेट्स सी 6th की एनर्जी। ओके गाइस, सो लेट्स सी 6th ऑफ जुलाई की एनर्जी कैसी होने वाली है। 4th, 5th बहुत अमेजिंग एनर्जीज रही हैं अभी तक, सो लेट्स सी 6th ऑफ जुलाई जो है वो क्या लेकर आने वाली है। ओके, सो वी हैव क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स, एंड आई थिंक इट्स अ फॉलो अप फ्रॉम 5th ऑफ जुलाई, सो मेरे को वो सारे कार्ड्स जो है वो लेने पड़ेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द थीम ऑफ द डे। 6th ऑफ जुलाई गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द थीम ऑफ द डे। ओके, एंड व्हाट इज द आकाशिक रिकॉर्ड 6th ऑफ जुलाई। 6th ऑफ जुलाई मुझे थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड जो दिन है वो दिखाई दे रहा है, या कुछ चीजें होती हुई स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं, और 5th का असर जो है वो 6th पर आता हुआ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। सो दो ऑलरेडी आ गए हैं, सो वी विल टेक दीज एंड लेट्स सी। सो 6th ऑफ जुलाई जो है ना, यहाँ पे मुझे जो मैंने बोला कि 5th जुलाई का इम्पैक्ट जो है नजर आ रहा है, जो किंग ऑफ कप्स 5th जुलाई को एक्शन लेगा, उसका इम्पैक्ट मुझे नजर आ रहा है, जहां पे देर आर गोइंग टू बी न्यू पीपल कमिंग आउट। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मनी रिलेटेड ट्रेल में एक नया एंगल आ सकता है। I can also see that justice या people getting what they deserve, या किसी तरह की कोई judgment, किसी तरह का कोई decision वो मुझे दिखाई दे रहा है। This is also like two of cups है, नई partnership, नई identification, लोगों को नए तरीके से देखना, situations को नए तरीके से देखना और identify करना वो मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मुझे जो trouble की energy है वो energy कहीं ना कहीं एक तरह से balance में
तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर किंग ऑफ कप्स कोई एक्शन ले, अथॉरिटीज कोई एक्शन देते हैं, कोई भागता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हेल्प के लिए कहीं अप्रोच करने वाला है और वो सारा ट्रेल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विजिबल होने वाला है 6 जुलाई को, और 6 जुलाई को हमें दिखाई देगा कि कोई भाग रहा है और उसका जो किस तरह की एनर्जी है, कहाँ कौन कौन हेल्प कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, वो दिखाई देगा। दूसरा, आपकी पर्सनल लाइफ में बोलूं, नई रिलेशनशिप आ सकती है। अगर किसी तरह का मनी आपकी तरफ आना था, नहीं आया था, आप डिजर्व करते थे, वो आपको मिल सकता है। किसी कोई लीगल मैटर था तो उस लीगल मैटर में कोई चेंज आ सकता है, बट आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 5th और 6th बहुत इंटरकनेक्टेड दिन है दोनों, और 5th की एनर्जी 6th की एनर्जी में बहुत ज्यादा मेजरली इंपैक्ट करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे ना, अगर आप देखें तो ये बच्चे जो हैं इनके साथ नहीं है और ये सिर्फ दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं फिर, एंड देन दे आर ट्राइंग टू गेट सम हेल्प और सपोर्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन 5th और 6th दोनों ही टेक केयर ऑफ योर किड्स, और ओवरऑल एनर्जी जो है वो मुझे ऐसी लग रही है, नया रिलेशनशिप, नई पार्टनरशिप, नई नई बिगिनिंग, अगर आप बिजनेस पार्टनर का वेट कर रहे थे तो उसका आना, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द थीम ऑफ द डे। थीम ऑफ द डे इज मैच्योरिटी। ब्यूटिफुल एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये, और मैच्योरिटी मतलब अपने अपनी एनर्जी समझना, अपने आप को समझना, अपने एक्चुअल सेल्फ को समझना, डिसीजंस जो है वो सही तरीके से देखना, लेना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। और अगेन मैं बोल रही हूँ 5th और 6th इंटर रिलेटेड है, और बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कि आप जो भी डिसीजन लें वो एक तरह से मैच्योरिटी से लें, सोच समझ कर लें, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लें। कुछ नई बिगिनिंग, कुछ नई चीजें, कहीं से मनी गेन जो है वो तो मुझे डेफिनेट लग रहा है कि आपकी तरफ किसी तरह का कोई मनी गेन या किसी तरह का कोई गेन जो है वो 6th की एनर्जी में डेफिनेटली आने वाला है। सो सारे डिसीजन जो है मैच्योरिटी से ले, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। सी आकाशिक फील्ड फिर से नंबर 1 की एनर्जी आई है, और यहाँ पे वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल, द वॉर ऑफ द रोजेज और आकाशिक फील्ड की एनर्जी आई है। और यहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि ये दो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इस सारी लड़ाई में, इस सारी उलझन में जो एक मेल एक फीमेल नेगेटिव कैरेक्टर्स थे वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाएं, और कोई उनको बैलेंस करने की कोशिश करे कि रुक जाओ, आपस में मत लड़ो, नहीं तो सब पकड़े जाएंगे। तो वो मुझे एक एनर्जी जो दिखाई दे रही है, आकाशिक फील्ड का ओपन होना दिखाई दे रहा है, और वॉर ऑफ द रोजेज, दैट मींस दैट कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत स्ट्रांगली पावरफुल है फॉर समथिंग न्यू टू स्टार्ट, और आपको डिसीजन जो है वो बहुत सोच समझ कर लेने पड़ेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो अपॉर्चुनिटीज बताता है, ये एक तरह से एक्सेलरेशन बताता है आकाशिक डोर्स के ओपन अप होने का, लाइफ एनर्जी का, यूनिवर्सल सिंक्रोनिसिटीज का, और आप अपने रिकॉर्ड, आप अपनी पास्ट लाइफ, आप अपनी एनर्जीज जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये कार्ड जो है ये बोलता है कि आपके हार्ट के डिजायर्स जो है वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगी, तो आपको वो अलाइनमेंट जो है वो भी दिखना शुरू होगी। और 6 of Rose जो है ये कार्ड जो है ये रिलेशनशिप में एक वॉर बताता है, हार्ट में, रिलेशनशिप में, सिचुएशंस में, कोवर्कर, पार्टनर्स, फैमिली मेंबर्स, और पावर प्ले बताता है, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन बताता है। बट यहाँ पे अब अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हो तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इन सारी चीजों से बाहर निकल जाओगे। अपने पैशंस जो हैं, अपने फियर्स जो हैं, अपने नीड्स जो हैं, उनको सुनते रहना है आपने, उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और यहाँ पे ये कार्ड जो है ये बोलता है कि आपने बहुत ट्राई किया है कंबाइन करने का चीजों को, रिलेशनशिप्स को, लेकिन अब अगर कोई कोई कंपैटिबल नहीं है तो वो नहीं है। ये टाइम है स्टैंड लेने का, ये टाइम है जब बाहर निकले आप अपना स्टैंड लेकर, डिसीजन लेकर। ये सिचुएशन जो है ये कार्मिक है, और इस टाइम पे जरूरी है याद सुनना और एक्शन लेना। अवेयरनेस, विजन, सेल्फ ऑर्डरिंग, ये रिक्वायरमेंट्स हैं इस टाइम की, और एक तरह से ये प्लान बनाना है आपने बैटल फील्ड को छोड़ने का। तो यहाँ पे मुझे बहुत क्लियर एनर्जी लग रही है कि कोई पुरानी एनर्जी, कोई पुराना, ये फिर इसी झंडा कितना गंदा हो चुका है ये, तो बहुत ज्यादा कोशिश की गई है इस झंडे को मिट्टी में मिलाने की, राइट। और अब वो रिकॉर्ड्स जो हैं ओपन अप हो रहे हैं जिन्होंने इस झंडे को मिला, मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी। तो बहुत कुछ मेजर चीजें जो हैं मुझे लगता है कि 6th of July को बाहर निकलने वाली हैं, और आपकी लाइफ में भी कुछ मेजर टर्निंग पॉइंट्स जो हैं वो होने वाले हैं। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, सोच समझ के लाइफ के लिए सोच मैच्योरिटी के साथ अपने डिसीजन लीजिएगा, ये जरूरी रहने वाला है।
सी विजडम, विजडम इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कार्ड है ये, और इसमें अगर आउल देखे तो आउल की आंखें सबसे ज्यादा दे आर स्टैंडिंग आउट, सो दैट मीन्स बहुत सारी चीजें जो है क्लियर होने वाली है, नजरों के सामने आने वाली है, और आपकी विजडम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है. यूज योर विजडम ऑन 6th of July, इट इज गोइंग टू गिव यू अ बिग शिफ्ट ऑफ एनर्जी. सो लेट्स सी ये 7th of July कैसे रहने वाली है, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, फीडबैक जरूर दें. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय. ओके गाइस, सो लेट्स सी 7th of July की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, और 7th of July को क्या होने वाला है. 7th of July 2022 गाइस एंजल किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है 7th of July को. 7th of July 2022 एक कार्ड आ गया है, और एक और देख लेते हैं. 7th of July 2022 गाइस एंजल किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है 7th of July 2022. ओके सो लेट मी सिट प्रॉपरली. Let's see what is the theme of 7th of July. The theme energy of 7th of July. Theme of 7th of July. What is the day? Okay. 7th of July theme. And let's see Akashic record for 7th of July. What is the Akashic record for 7th of July? Okay. Akashic record bhi aa gaya. So let's see. Pehla card ye gira tha. 7th of July. So 7th of July की energy पहले तो it is like facing a fear, facing something very strong, facing something जिसके लिए आप prepared कर रहे थे, prepare कर रहे थे अब तक, क्योंकि ये इस wolf के लिए एक shield जो है वो prepare कर रहा था, और finally वो wolf जो है वो आ गया है, और अब वो अपनी fist तैयार करके ready है wolf से लड़ने के लिए. तो ये सबसे पहली energy है जो बोलती है कि किसी डर को आपको 7th of July को face करना पड़ेगा, किसी fear को, किसी challenge को आपको 7th of July को face करना पड़ेगा. सेकेंड एनर्जी जो है वो पास्ट कमिंग बैक की एनर्जी है, और उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है. अगर आप देखें तो ये फूल जो है, ये सारे कप्स में फूल जो है वो लगा रहे हैं. ये फूल की शॉप आप समझ सकते हैं, या ये फ्लावर्स जो है इनको किसी को गिफ्ट करने हैं समझ सकते हैं, लेकिन ये सारे कप्स में फ्लावर्स लगा रहे हैं. सेलिब्रेशन या किसी तरह का डेकोरेशन जो है, उस तरह की एनर्जी जो है ये दिखाई दे रही है. दिस इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द पास्ट टू कम बैक, और ग्रोथ की एनर्जी है, ब्यूटी की एनर्जी है, और लास्ट जो है वो डेफिनेटली किसी तरह की सेलिब्रेशन की एनर्जी है. फोर ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एक प्रोसेशन जो है वो जा रहा है, फ्लावर्स फेंके जा रहे हैं, सब लोग जो है वो फ्लावर्स ले रहे हैं, और एक तरह से सेलिब्रेशन की एनर्जी है. सो 7th of July जो थीम एनर्जी है वो कहीं ना कहीं किसी तरह की चीज, कोई सामने आना, किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन, किसी तरह का कोई प्रोसेशन, किसी तरह की कोई सिचुएशन जो अच्छी है या जो पॉजिटिव है, वो एनर्जी दिखाई दे रही है. पेरेंट चाइल्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट इन अ गुड वे, क्योंकि वो दोनों ही फ्लावर्स लगा रहे हैं. लेकिन डे का स्टार्ट जो है किसी चैलेंज से हो सकता है, किसी प्रॉब्लम से हो सकता है, किसी इशू से हो सकता है. तो यहाँ पे मुझे अगर मैं दूसरी तरह से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फेस करना किसी फियर को, किसी चैलेंज को जो है वो सामने आने वाला है. हम किसी हेड जोन फाइट को जो है वो होता हुआ देख सकते हैं, और उसके लिए हम भी प्रिपेयर करेंगे किसी भी तरह से कि वो जो फाइट है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, हम कैसे उस रिजल्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं. तो बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारी तैयारी, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी एक तरह से, क्योंकि हमें पता है कि इस फाइट का एंड जो है वो पॉजिटिव होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन जो है वो जाएगी, और अल्टीमेटली देयर इज सम काइंड ऑफ प्रोसेशन, किसी तरह का सेलिब्रेशन, किसी तरह का कंप्लीशन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है. ये सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन है, ये जो ब्राइड है या ग्रूम है या जो भी जिस चीज के लिए भी उन्होंने सेलिब्रेशन करनी है, ये लोग पहुंच गए हैं अपने उस जगह पे जहां पे दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट. सो एक तरह से किसी सेलिब्रेशन की शुरुआत जो है वो मुझे ये लग रही है. अब यहां पे क्या एनर्जी आई है, यहां पे चैरियट की एनर्जी है, 7 अवेयरनेस की एनर्जी है. तो आप बहुत सारी चीजों के साथ अवेयर होने वाले हो, बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आने वाली है. एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग जो है वो दिखाई दे रही है. इसकी शेडो जो है वो जल रही है, और शेडो में से एक अंदर से एक अलग ही पर्सन जो है बहुत इनोसेंट, बहुत स्वीट बाहर निकल रहा है. तो ये डेफिनेटली एक अवेयरनेस के क्लियर होने की एनर्जी है, शेडो एनर्जी के जाने की एनर्जी है. तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बोला कि कुछ ऐसा होगा जहां से कोई चीज जो है वो हमारे अवेयरनेस में आएगी, हमारे सामने आएगी, या कोई चीज जो है वो कंप्लीट होगी, या हम अपने इनर सेल्फ को थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, तो कोई चीज जो है वो अवेयरनेस में आने की एनर्जी है. और एक और चीज मैं बताऊं, यहां पे 6+4 10 होता है, 9+1 10 होता है. 10 और 7 की एनर्जी जो है वो बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, और यहां पे 2 और 7 की एनर्जी है फिर से, वाओ. सो यहां पे विंग्ड मैसेंजर्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल. नाउ यहां पे भी 2 कप्स हैं, एक केटल है, दो चेयर्स हैं, और यहां पे कोई मैसेंजर है जो मैसेज लेकर आ रहा है. यहां पे आपको मैसेज दिखाई देगा, यहां पे आपको मैसेज दिखाई देगा. 2 कबूतर हैं जो चिट्ठियां लेकर आ रहे हैं एक तरह से, और एंजल की तरफ से कोई चिट्ठी आ रही है. तो एक विंग्ड मैसेंजर की एनर्जी है, विच मीन्स दैट किसी तरह के पॉजिटिव न्यूज, कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है. और
और यहाँ पे दूसरी एनर्जी जो है वो है इंट्रिक्रिसिस एंड इंडस्ट्री, सेवन ऑफ स्क्रोल की एनर्जी है। सेवन ऑफ स्क्रोल जो है वो सेवन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी होती है, अपने ग्राउंड को स्टैंड करना, किसी चीज को दोबारा से क्रिएट करना। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी बिल्डिंग जो है ये टूट फूट गई है और अब इसको नए मैप बनाकर नए तरीके से जो है क्रिएट किया जा रहा है। और यहाँ पे मुझे आकाशिक रिकॉर्ड में मुझे डेफिनेटली किसी तरह के ऐसे मैसेजेस, ऐसे कम्युनिकेशन जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है 7 जुलाई को, जो चीजों को नई तरह से क्रिएट करने के लिए, नई तरह से शुरुआत करने के लिए जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। जो सेवन ऑफ स्क्रोल का कार्ड है वो बेसिकली बोलता है कि ये बहुत बेसिक लेवल का कार्ड है, ये बिल्डिंग, रेनोवेशन, होम, बिजनेस जो है उसको इंडिकेट कर सकता है, उसको दिखा सकता है। ये भी बताता है ये कार्ड कि आप अपने ग्रेटनेस के रास्ते में हो, लेकिन आपको अकेले नहीं रहना है, बहुत सारी पर्टिकुलर चीजें हैं जिनको आपको, जिनका आपको ध्यान रखना है, डिलिजेंट रहना है, स्ट्रेटजी बनानी है, हर एक डिटेल को अटेंशन देना है, लॉन्ग टर्म गोल अपने माइंड में रख के छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। और इट इज लाइक बहुत खूबसूरत चीजें भी पत्थर से बनाई जाती हैं या ईंटों से बनाई जाती हैं, और ये तभी होता है जब आप उनको हीप करते हैं और छोटी छोटी चीजों को एक साथ मिलाकर इकट्ठा करते हैं और फिर उनसे बड़ा रिजल्ट जो है वो मिलता है। सो इट इज लाइक वो छोटे छोटे स्टेप्स जिनसे एक बड़ा रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट जो है वो आपकी तरफ आएगा या एक अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको मिल सकता है। जो दूसरा कार्ड है रोजेस, टू ऑफ रोजेस का कार्ड, वो इंडिकेट करता है किसी तरह का घर में या फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट, और ये बोलता है कि इसमें आप हो सकते हो, कोई और हो सकता है, मनी या बिजनेस है, इनहेरिटेंस जो है वो इंक्लूड हो सकता है, लेकिन एक तरह से थोड़ा सा ड्रामा जो आपके हायर माइंड के थ्रू और कंपैशन के थ्रू आपको देखना है, आप पेल हो सकते हो पीस मेकर बनने के लिए या फिर इस सिचुएशन में प्रोवाइडर बनने के लिए, जैसे आपको स्पिरिट गाइड करती है वैसे आप गाइड होइए, क्योंकि यहाँ पे एक हॉक है जो प्रेडेटर है, यहाँ पे एक हॉक है इफ यू सी, और यहाँ एक हॉक है जो प्रेडेटर एनर्जी है, और वो बताता है जब आपका टाइम ऐसा होता है जब आप अपने आप को पुल करते हो फ्रेम में या प्रॉब्लम में, और जो हॉक है विद द हॉक एंटरिंग फ्रॉम द राइट, ये इंडिकेट करता है कि कुछ चैलेंजेस आपकी तरफ आने वाले हैं और हैप्पीली, बहुत खुशी से ये आपकी स्पिरिट जो है, आपकी सोल जो है, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रही है और आप क्लियरली उनके साथ इफेक्टिवली डील कर पाओगे। सो एक और चीज जो सेवंथ को मुझे दिखाई दे रही है वो बहुत क्लियर एक चीज दिखाई दे रही है कि किसी भी तरह की कंप्लीशन, किसी भी तरह के सेलिब्रेशन, किसी भी तरह का किसी भी तरह की चीज को पूरा करने के लिए कुछ चैलेंजेस जो है वो आने वाले हैं और आपको वो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप अवेयरनेस के साथ उन चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे और अगर करेंगे तो वो कंप्लीशन लेकर आएंगे आपके लिए। तो सेवंथ की एनर्जी जो है वो पावरफुल है, स्ट्रांग है, लेकिन चैलेंजेस की एनर्जी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, सो हार्ट विच इज लव, एक तरह से प्यार लेकिन उलझनों वाला, क्योंकि इस हार्ट में बहुत सारे ऐसे जिगजैग हैं। पैरेट जो एक्चुअली अपने रिंग पे बैठा हुआ है, फ्लावर्स हैं, तो पैरेट एनर्जी जो है वो बेसिकली रिपीट करने की एनर्जी भी होता है। तोता रिपीट करता है, तोता खुश भी होता है, तोता वर्ड्स भी रिपीट कर सकता है, तोता वर्ड्स भी रिकॉर्ड कर सकता है। वट एवर यू से, आपका तोता अगर बोलना जानता है तो वो किसी और को भी वो बोल सकता है। और तोता जो है पिंजरे से बाहर निकल रहा है, यहाँ पे पिंजरे में नहीं है, रिंग पे बैठा है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। सो किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आ रही है, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन को आने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर और प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा, तो बी रेडी फॉर दैट प्रोसीजर और प्रोसेस और वहां से ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। सो लेट्स सी एट्थ की एनर्जी जो है किस तरह के रहने वाली है, और अगर हो सके तो वीडियो को प्लीज शेयर करें, सब तक पहुंचाएं और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ओके, सो लेट्स सी 8th ऑफ जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 8, 9, 10 तीन दिन रह गए हैं इस हफ्ते के। सो लेट्स सी 8th की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, और इस वक्त 10:47 हो रहे हैं। वाओ, मैंने जस्ट टाइम देखा, 10:47, वाओ। ओके, सो 8th ऑफ जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है गाइड्स एंजल्स। 8th ऑफ जुलाई को क्या होने वाला है, महीना बहुत हैपनिंग लग रहा है, हफ्ता बहुत हैपनिंग लग रहा है, ये महीना तो है ही हैपनिंग बट हफ्ता बहुत हैपनिंग लग रहा है। लेट्स सी 8th ऑफ जुलाई का थीम क्या होने वाला है, व्हाट इज द थीम ऑफ द डे फॉर 8th ऑफ जुलाई, व्हाट इज द कीवर्ड फॉर द डे। ओके, वो दो आ गए, वाओ, मुझे पता ही नहीं लगा एक के आने का। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द आकाशिक मैसेज। ओके, ये भी दो आ गए, सब कुछ दो दो की उसमें आ रहा है। इफ यू सी, ये कार्ड भी दो आए हैं, ये कार्ड भी दो आए हैं, ये कार्ड भी दो आए हैं। समथिंग इज कमिंग टुगेदर, समथिंग इज
यस समथिंग इज कमिंग टुगेदर, समथिंग इज बीइंग प्रेजेंटेड. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तीन कॉइन्स इसको प्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे वो एक कप जो है वो इसको प्रेजेंट कर रही है. दिस पर्सन इज गोइंग ऑन अ वॉर प्रोबेबली और वो उसको अपना कप जो है, अपना इमोशन जो है, अपना प्यार जो है वो दे रही है. और दिस पर्सन, इसके पास अथॉरिटी है, पावर है, तो बहुत सारे लोग और उसको अपने हिस्से की अथॉरिटी, अपने हिस्से का पावर दे रहे हैं. इफ यू सी बर्ड्स आर फ्लाइंग, यहां से बर्ड्स जो हैं वो इस तरफ फ्लाई कर रहे हैं, वो अपने नए डायरेक्शन की तरफ, नए नई एनर्जी की तरफ, नई पॉजिटिविटी की तरफ, क्योंकि राइट को फ्लाई कर रहे हैं तो नई पॉजिटिविटी की तरफ, अपने घर की तरफ, अपने एक्शन, अपने फील्ड की तरफ, जिस भी तरह से नई जर्नी पे जा रहे हैं. तो मुझे एक नई जर्नी का कार्ड लग रहा है और ऐसा लगता है कि कुछ लोग शायद आपको उस जर्नी से रोकना चाहेंगे या उस जर्नी को स्टॉप करने की कोशिश करना चाहेंगे, पर आपको नहीं रुकना है. आपको उन इमोशंस को, उन कप्स को, उन पेंटिकल्स को, उस एनर्जी को लेना है और आगे बढ़ना है. हो सकता है आपको कोई गिफ्ट मिले आज का दिन, हो सकता है आपको कोई पॉजिटिव साइन मिले, बट हो सकता है कि कोई रिवॉर्ड मिले, कोई रिकग्निशन मिले. बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको उस जर्नी पे जाने से रोकने की कोशिश अगर करे तो आपने रुकना नहीं है, आपने उस जर्नी पे आगे जाना है. इनर वॉइस बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके इनर वॉइस को सुनना. और स्ट्रेस, सी दिस, दीज आर टू ड्रास्टिकली डिफरेंट कार्ड्स. और अगर आप यहां पे देखें तो 4, 5, 6, 7, 7 की एनर्जी बनती है और यहां पे भी 7 की एनर्जी पहले आई है. और 7 की एनर्जी जो है उससे डील करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा. तो अपने इनर वॉइस को सुनना, अपनी इनर नोइंग को सुनना, अपनी इनर अंदर की दिल की आवाज, अपनी सोल की आवाज को, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है. कुछ सीक्रेट उस दिन बाहर आ सकते हैं 8th of July को. और यहां पे अगर आप देखें तो ये स्ट्रेस एनर्जी जो है, ये जो जोकर है, ये बहुत सारी जगलिंग कर रहा है, राइट, म्यूजिक बजा रहा है, कैंडल जगल कर रहा है, बॉल्स पे चल रहा है. और इसको लग रहा है कि ये बंदर जो है, इसकी जो रस्सी है वो तो मेरे हाथ में है तो मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है. लेकिन यही बंदर जो है वो एक पिन लेकर बैठा है और इसी का बबल जो है ये फोड़ देने वाला है अभी. तो ये एनर्जी क्या है, आपका स्ट्रेस आपको खुद को नुकसान करता है. दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई आपके पूरी तरह कंट्रोल में है तो वही इंसान आपको नुकसान पहुंचा सकता है. तो आज का दिन अगर आपकी इंट्यूशन आपको किसी के बारे में वार्न करती है तो उस वार्निंग को जरूर सुनिए, उस वार्निंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए. वो इंसान कितना भी आपके कंट्रोल में हो, कितना भी आपके साथ अच्छा हो, कितना भी आपके साथ बढ़िया हो, लेकिन उस वार्निंग को जरूर सुनिए, क्योंकि कोई आपका खुद, आपका ही जहां पे आप खड़े हो उस जगह को आपके पैरों के नीचे से जमीन निकालने वाला है और आपको पता भी नहीं रहा है क्योंकि आप इतने कामों में उलझे हुए हो. सो अपने वक्त, अपने आप को वक्त दीजिए, ओवर स्ट्रेस मत कीजिए. और हो सके तो आपने 8th of July को थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन में जरूर बिताना है अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए. आकाशिक से जो कार्ड्स हैं, पहला स्क्राइब का कार्ड है. स्क्राइब जो होता है वो लॉ राइटर होता है. यहां पे ये नया, ये जो है ये जज और लॉयर्स का कार्ड होता है और ये कोई नया लॉ जो है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और ये आकाशिक लाइब्रेरी है. तो इफ यू सी दे आर क्रिएटिंग समथिंग और फिर वो लाइब्रेरी में वो चीज दिखाई दे रही है, 12 और 2 की एनर्जी है. और यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट या डिसीजन का दिन हो सकता है ये. और यहां पे मुझे लगता है पुरानी, क्योंकि लाइब्रेरी में पुरानी किताबें होती हैं, पुराने रिकॉर्ड्स जो है वो इस दिन छाने जाएंगे, पुरानी चीजें जो हैं वो इस दिन बाहर आएंगी. क्योंकि इनर वॉइस या हाई प्रिस्टस का कार्ड जो है वो भी सीक्रेट्स का कार्ड होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि सीक्रेट्स के रिवील होने का कार्ड, पुरानी चीजों को एक्सेस करने का कार्ड. अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई आपको प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है तो आप, और आपके पास कोई रिसोर्स कम है या कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, प्लीज थिंक अबाउट कि आपने पहले क्या किया है, कैसे किया है, और वहां से आपको वो एनर्जी मिल जाएगी, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी, वहां से आपको सपोर्ट मिल जाएगी. आपकी पुरानी लाइब्रेरी जो है वो आपकी हेल्प करने वाली है इस टाइम पे. और वो एनर्जी जो है वो, क्योंकि ये मेजर आर्काना है, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि हेल्प आपके आसपास ही है. मैं दोनों कार्ड जो है ये मेजर आकाशिक रिकॉर्ड वाले ये बुक से भी आपको बता देती हूँ. तो जो स्क्राइब का कार्ड है वो इंडिकेट करता है कि दिस कार्ड इंडिकेट्स अ ग्रेट अपस्वीप इन माइंड एंड स्टडी फॉर यू. तो ये स्टडी है, ये कुछ चीज़ों को सीखना, कुछ चीज़ों को समझना है. ये कार्ड सिर्फ स्टडी के लिए नहीं है, ये स्टडी जो है ये हायर लर्निंग के लिए है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है. ये किसी टीचर के बारे में हो सकता है, किसी स्कूल के बारे में हो सकता है, किसी जज के बारे में हो सकता है, लीगल मैटर के बारे में हो सकता है. और ये टाइम है जब आपने विजन को गाइड करने देना है. बुक्स या आर्टिकल्स या नोटिसेस या जो भी चीजें आपके आसपास हैं उनको इग्नोर नहीं करना है. यू हैव टू सी एंड पे अटेंशन टू एवरीथिंग. और जो दूसरा कार्ड है आकाशिक लाइब्रेरी का, ये कार्ड जो है कोई पब्लिशिंग या कोई राइटिंग या कोई बुक जो है सिंबलाइज कर सकता है जिसको आप लिख रहे हो. लेकिन ये हायर अवेयरनेस जो है इसको भी इंडिकेट करता है, इन्वेस्टिगेशन को इंडिकेट करता है. और इन्वेस्टिगेशन नए पर्पज से स्टार्ट करना जो है उसको भी
इंडिकेट करता है, इंट्यूशन, हाई इंट्यूशन का टाइम जो है इंडिकेट करता है कुछ चीजें लिखना, कुछ चीजें डिक्लेयर करना, वो इंडिकेट करता है। साथ में अगर आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसको लिख सकते हो और वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में चला जाएगा। तो अगेन इन एनर्जीज जो है वो पावरफुल है। एक नया मैसेज, एक नई कम्युनिकेशन, फिर से कुछ चीजों को स्टॉप करने की एनर्जी, लेकिन सीक्रेट्स के बाहर आने की एनर्जी, जो लोग कुछ लोगों के बिल्कुल कंट्रोल में उनको लग रहा था है, वही उनके सीक्रेट्स बाहर लेके आएंगे, इस तरह की एनर्जी। एंड देन डेफिनेटली लर्निंग की एनर्जी जो है वो है इस दिन में, और ये दिन जो है ये भी बहुत सारे सीक्रेट्स बाहर लेकर आने वाला है। सो लेट्स सी, यस सी चाबी, और ये हैंड ऑफ हमसा है, और यहाँ पे आपको सारे ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स है इस हैंड के अंदर, पूरा सन बीच में है और सारे प्लैनेट्स जो हैं आसपास हैं, तो पूरा यूनिवर्स एक एक हाथ में, एक जगह पे, एक सिचुएशन में आने वाला है। बहुत सारी चीजें जो है लोगों के पास या अथॉरिटीज के पास आने वाली है, चाबी जो है वो मिलने वाली है, और ये चाबी जो है ये पूरी लाइब्रेरी को ओपन अप कर देगी। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, अगर मैं दूसरी तरह से आपकी लाइफ के हिसाब से तो बोल दिया, बट अदरवाइज बोलूं तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको जो भी गलत काम कर रहे हैं उनके सारे सीक्रेट्स पता हैं, और अब वही जो है वो चाबी अथॉरिटीज के पास देगा और उसी चाबी से सारे ताले खुलेंगे और एर्थ को वो एनर्जी जो है वो दिखाई दे सकती है या सामने आ सकती है। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्प करे, अगर करे प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दें, और बात करते हैं 9th of July की। और गाइस लेट्स सी 9th of July की एनर्जी जो है किस तरह की होने वाली है और क्या होने वाला है। हफ्ता बहुत हैपनिंग है ये वाला भी, और बहुत सारी पुरानी चीजें बाहर आने वाली हैं। सो लेट्स सी 9th of July, और अब हम सैटरडे संडे की तरफ आ गए हैं, वीकेंड की तरफ आ गए हैं। सो लेट्स सी वीकेंड पे क्या धमाके होने वाले हैं। सो 9th of July, व्हाट इज द थीम वर्ड या की वर्ड ऑफ 9th of July? 9th of July का की वर्ड क्या रहने वाला है? 9th of July, ओके, एंड द आकाशिक रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड ओपन अप होने वाला है? लाइब्रेरी तो कल खुली गई है, सो सी लाइब्रेरी में से क्या क्या बाहर आने वाला है। ओके सो लेट्स सी 9th की एनर्जी जो है, अगेन इट इज नाउ, जो लाइब्रेरी कल खुली है उसमें से बहुत कुछ निकलने वाला है बाहर, बिकॉज इफ यू सी तो यहाँ पे एक तरफ वो पानी भर के ला रही है और दूसरी तरफ बिल्ली ने पानी का कप जो है वो गिरा दिया है। एंड दिस पर्सन इज सैड, वो चार कप्स खड़े हैं लेकिन फिर भी वो उस कप, एक कप की तरफ देख रहा है जो गिर गया है। अब यहाँ पे इफ यू सी तो बहुत सिंक में कार्ड्स आए हैं, क्योंकि ये 14 है, नंबर 5 बनता है, और ये भी 5 है, 10 की एनर्जी बनती है। एंड देन वो पानी में खड़ी है, पीछे से भी पानी का फ्लो आ रहा है, लेकिन वो एक वाटर, एक तरह से फिल्टर से पानी भर रही है अपने कप में। सो वो नीचे से भी नहीं भर रही है, जहां से पानी आ रहा है वहां से भी नहीं भर रही है, शी इज यूजिंग एन एक्सटर्नल सोर्स जहां से वो पानी अपने लिए भर रही है। और यहाँ पे वही पानी जो है वो गिर गया है, यहाँ पे भी नदी है। तो यहाँ पे पहले तो मुझे ना वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो है वो नजर आ रही है, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वाटर रिलेटेड ट्रबल हो सकता है, वाटर कम, पानी ना आए, पानी का लॉस हो, या फिर कोई बाढ़ लाइक सिचुएशन जो है वो हो जाए, रिवर कोई ओवरफ्लो कर जाए, कोई बांध टूट जाए, उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है सबसे पहली। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हो सकता है किसी चीज पे आप बहुत मेहनत करें और कोई उस मेहनत को बेकार कर दे, लेकिन वो पूरी मेहनत बेकार नहीं होगी। तो अगर उसमें से कोई एक चीज नहीं भी है या कोई किसी एक चीज का नुकसान भी हुआ है, तो नुकसान वाली थॉट में मत आइए, क्योंकि आपके पास जो है उससे आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस चीज पे फोकस रहिए जो आपके पास है, रादर देन उस चीज पे फोकस करने के जो चला गया है। बट इट फील्स लाइक कोई चीज है जिसको कंप्लीट किया जाएगा या कोई चीज है जिसपे वर्क किया जाएगा, और उस वर्क में कुछ जो है वो गिर सकता है, कुछ जो है वो सामने आ सकता है। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज जो दिखाई दे रही है वो इस तरह की है, जहां पे कोई एविडेंस जो है वो सामने आ सकती है, और बिल्कुल सामने आ जाएगी, मतलब कोई ऐसी चीज जो पब्लिक आई से छुपा के रखी गई थी वो पब्लिक के सामने आ जाएगी, उस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है ऑन 9th of July। लेट्स सी कीवर्ड क्या होने वाला है 9th of July का, और कीवर्ड फिर से बर्डन का कार्ड आया है, और ये जो बर्डन है जैसे मैंने बोला अभी पिछले कार्ड में कि लालच के कारण आप कोई बर्डन कैरी करते हो और फिर वो इतना ज्यादा पेनफुल हो जाता है कि आप उसको ना छोड़ते बनता है ना रखते बनता है, क्योंकि आपने इतने समय तक लालच किया है, तो वो मुर्गा भी आपको चाहिए लेकिन अब आप भार भी नहीं उठाना चाहते हो, तो उस तरह की एनर्जी है। ये ट्रैवल एंड मूवमेंट भी होती है 6 of Swords, लेकिन यहाँ पे जहां बर्डन की एनर्जी है मुझे ऐसा लगता है कि कोई नई डायरेक्शन आपको दिखाने की कोशिश की जा सकती है, किसी नए डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की जा सकती है। कोई चीज जो है, अगेन मैंने बोला ना कि कोई चीज जिसपे आप काम करें, कोई चाहे रिलेशनशिप
हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, कोई वर्क हो, कोई चीज़ इस पर आप काम करें और फिर वो काम जो है वो बेकार हो जाए, दूध बॉयल किया और दूध सारा निकल गया पतीले से बाहर, अब नया काम पड़ गया, बर्डन पड़ गया कि वो सारा दूध जो है साफ भी करना पड़ेगा, तो उस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। बट अगर आप बर्डन को बर्डन की तरह कैरी ना करें, उसका स्ट्रेस ना लें, तो आप इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे अच्छी तरह से। आकाशिक रिकॉर्ड क्या है आपका? आकाशिक रिकॉर्ड है द चेस गेम, इफ यू सी क्वीन जो है गिर चुकी है, और चेस की गेम है, थ्री ऑफ कीज का कार्ड है ये, विच मीन्स थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये। और अगेन चेस गेम में ऐसा ही होता है ना कि जो बाजी आप बहुत ध्यान से खेलते हो, बहुत उससे खेलते हो, फोकस से खेलते हो, लेकिन दूसरे वाला अपने बाजी खेलता है और आपकी बाजी पलट जाती है, तो वो पलटने की एनर्जी जो है ना वो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। बाजी पलटने की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बाजी पलटना जो है वो किसी के लिए बहुत बड़ा बर्डन बन सकता है। आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जिसको शायद आपने अभी तक नहीं देखा था, और फोकस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 9 और 10 की एनर्जी है, 6 और 3 एनर्जी है, और 5 और 5 की एनर्जी है। यहाँ पे ये कार्ड जो है ये बोलता है कि लोग जो है चेस पीसेस की तरह जो है ऐसा होता है कि यूजुअली ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो बहुत अच्छा हो। ये पॉलिटिकल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी बताता है कार्ड, और कोई किसी प्रॉपर पर्टिकुलर ग्रुप के लिए डिफ़िकल्ट इंडिकेशंस भी बताता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हायरार्कीज, मैनेजमेंट डिस्ट्रप्शंस, कॉन्फ्लिक्ट फैमिली सिचुएशन में, तो वो सब भी बताता है। और ये बोलता है कि दो साइड्स जो है वो कम्प्लीटली अलग अलग हैं और डिवाइडेड हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो आउट ऑफ देम वो दूसरी तरफ जो है वो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर सकते हैं। डिसीट जो है वो भी ये कार्ड, धोखा जो है वो भी ये कार्ड बताता है, और ये टाइम है जब आप एक स्टेप बैक लो, एक स्टेप पीछे जाओ और दोबारा से सोचो कि आपको क्या करना है और कैसे अपनी पोजीशन को आपने स्ट्रांगली होल्ड करना है। और ये जो है ये चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप इनर पीस जो है उसको मेंटेन रखें और जो बैटल्स हैं उनमें पार्टिसिपेट ना करके अपने आप को डिसीव ना होने दें और आराम से बैठ के सोचे अनइमोशनली कूलली कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, तो आपको सिचुएशन मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि लोगों का आपके आसपास अपना ही एजेंडा हो, तो मिसलीड मत होइए और अपने आप को थोड़ा सा डिटैच रखिए, ऑब्जेक्टिव रखिए, और सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इस तरह के होंगे जहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ जो है हो सकता है अभी आपके सामने ना हो, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। तो अगेन ऑब्जर्वेशन की एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेस गेम है, बर्डन लेंगे तो नहीं खेल पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, बर्डन नहीं लेंगे तो जीत पाएंगे, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो पॉलिटिकल चेस गेम है वो ओपन अप होने वाली है, कुछ कोई कोई किसी तरह का कोई एविडेंस हमारे सामने आ सकता है। लेट्स सी, एग्जैक्टली सी, कुछ तो स्क्रू बहुत सॉलिड होने वाला है, और बिल्ली, ये देखो यहाँ पे भी बिल्ली आई है, और बिल्ली किसकी है? बिल्ली क्वीन ऑफ वांड्स की है, इफ यू रिमेम्बर। तो यहाँ पे बिल्ली जो है वो जंप लेने वाली है, यहाँ पे बिल्ली जो है वो डर गई है किसी चीज को लेकर या अटैक मोड में आ गई है, और यहाँ पे स्क्रू टाइट करने की एनर्जी है या स्क्रू ओपन करने की एनर्जी है। तो ये डेफिनेटली किसी तरह का कोई कोई स्क्रू जो है वो दिखाई देने वाला है हमें, जो ढीला है या जो खोलने वाला है, तो डेफिनेटली कोई चीज जो है वो विजिबल होने वाली है 9th of July के दिन। और लेट्स सी कि 10th of July जो है वो क्या लेकर आती है। बट 9th of July थोड़ा सा ध्यान रखना है, बर्डन सम दिन हो सकता है, हेडेक्स हो सकती हैं, तो किसी तरह का लॉस हो सकता है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक स्टेप वापस लीजिए, ऑल इज नॉट लॉस्ट, चेस गेम अभी भी आपके हाथ में है, आपको देखना है कि अगली बाजी क्या खेलनी है। चलो लेट्स सी 10th की एनर्जी कैसे रहने वाली है। सो लेट्स सी 10th की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ईद मुबारक हो आप सब लोगों को, बकर ईद है 10th को, सो लेट्स सी कि 10th संडे है, और लेट्स सी 10th की एनर्जी कैसे रहने वाली है, 10th of July क्या होने वाला है गाइस, एंजल्स 10th of July क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है 10th of July 2022 क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है 10th of July 2022। थोड़ी सी डिफिकल्ट एनर्जीज लग रही हैं मुझे 10th of July की। इट इज लाइक नॉट इजी टू ब्रिंग थिंग्स आउट, नॉट इजी टू डू थिंग्स, नॉट इजी टू कंप्लीट योर टास्क, कोई मतलब थोड़ा सा स्टक एनर्जी, थोड़ी सी डिफिकल्ट एनर्जी जो है, थोड़ी सी लथार्जी वाली एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट इज द कीवर्ड फॉर 10th of July 2022। लाइक फॉर एवरीथिंग यू विल हैव टू पुश,
उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, दैट फॉर एवरीथिंग यू विल हैव टू पुश अ लिटिल हार्डर. लेट्स सी आकाशिक, व्हाट इज द आकाशिक रिकॉर्ड फॉर 10th of July 2022. ओके सो फाइनली वी हैव ऑल द कार्ड्स. मेरे हाथ भी थक गए आज तो. ओके 10th of July, फर्स्ट एंड सेकेंड. वाओ, टू एसेस, दिस इज सो पावरफुल. दो एसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे और मछली जो है कप से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है. ऑल द रिसोर्सेज आर देयर. सांप उसके मैजिशियन के गले में है. दिस इज अ मैजिकल कार्ड ऑफ मैजिक हैपनिंग, ग्रोथ कमिंग आउट, समथिंग कमिंग आउट. कुछ बहुत स्ट्रांग बाहर आने वाला है. दो संडे है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मछली कप से बाहर आने वाली है. कोई ऐसा एक्शन होने वाला है जिस एक्शन के कारण कुछ बहुत स्ट्रांग चीज जो है वो बाहर आने वाली है. बहुत इमोशनल इन्फ्लुएंस हो सकता है, बहुत इमोशनल इम्पैक्ट हो सकता है. 10th of July का इम्पैक्ट जो है वो बहुत इमोशनल होगा. 10th of July का इम्पैक्ट जो है वो बहुत सडन होगा. 10th of July का इम्पैक्ट जो है वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स होगा. और डेफिनेटली किसी तरह का कम्युनिकेशन, मैजिक, किसी तरह का रिन्यूअल, किसी तरह का स्वॉर्ड उठाई है उसने तो किसी तरह का एक्शन वो मुझे 10th of July को दिखाई दे रहा है. पहले ही कार्ड से जो थीम है 10th of July का, दैट इज लवर्स एंड कम्प्लीशन. और लवर्स जो है वो चॉइस होता है और कम्प्लीशन 21 वर्ल्ड कार्ड होता है. तो दुनिया जो है वो किसी तरह की कम्प्लीशन देखेगी, दुनिया जो है किसी तरह की चॉइस जो है वो करनी पड़ेगी. ये दो लोगों का साथ में आना, दो कम्युनिटीज का साथ में आना, दो सिचुएशंस का साथ में आना भी हो सकता है, लेकिन उनका फाइनल जो आउटकम है वो पता लगना जो है वो हो सकता है. पजल का कंप्लीट होना हो सकता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत स्ट्रांग कंप्लीशन जो है वो 10th of July पे होने वाली है. इट फील्स लाइक कुछ बहुत स्ट्रांग जो है, एक बहुत बड़ी चॉइस जो है वो 10th of July को होने वाली है. और वो चॉइस जो है वो दुनिया के सामने एक नई कंप्लीशन, एक नई बिगिनिंग, एक नया पीस, एक नई एनर्जी जो है वो लेकर आएगी. जगल का लास्ट जो पॉइंट है वो लगेगा. और यहाँ पे देखिए ऑन ट्रैक की एनर्जी है और क्लियरिंग द वे की एनर्जी है. वेरी वेरी पावरफुल एनर्जीज. 10th की एनर्जीज बहुत सुपर पावरफुल एनर्जीज हैं क्योंकि यहाँ पे फिर से एक और एस आ गया है. वन ऑफ स्क्रोल्स मतलब एस ऑफ वॉन्ट की एनर्जी है. और वो बोलता है कि सब कुछ ऑन ट्रैक है, ट्रेन ऑन ट्रैक है, आप ट्रेन पे चढ़ने वाले हो, रास्ता खुलने वाला है और रास्ता गाड़ी आगे जाने वाली है. अब ये जो है ये दो कार्ड्स मैं बुक से भी बताऊंगी क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको हर जो ये वाले कार्ड्स हैं आकाशिक रिकॉर्ड वाले. और ये कार्ड बोलता है कि ट्रैवल या मूव जो है वो इंडिकेट की जाती है. और ये चॉइस ऑफ डायरेक्शन का कार्ड भी होता है. और आपने अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर ट्रैक जो है उस पर आप जा रहे हो, चाहे प्रोजेक्ट है, रिलेशनशिप है, करियर है, रिलोकेशन है, डायरेक्टिव है, किसी भी चीज ले, लेकिन अब टाइम है डिसाइड करने का. और अगर आप अभी भी श्योर नहीं हो तो भी आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि इंजन जो है वो चालू हो गया है, धुआं निकलना चालू हो गया है. और अब आपको ऑन बोर्ड होना ही होना है, चाहे आप होना चाहो, चाहे आप ना होना चाहो, चाहे आप रेडी हो, चाहे आप नहीं हो, बट दिस इज द टाइम जहां पे फाइनल डिसीजन जो है वो होना ही होना है. और क्लियरिंग द वे जो फोर ऑफ कीज है वो बोलता है कि ये स्ट्रांग सिग्नल है कि अब टाइम है जब आपको सिग्निफिकेंट एक्शन लेना है अपनी ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसको रिमूव करने में. चाहे ये पर्सनल लाइफ हो, चाहे वर्क हो, चाहे क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो, चाहे रिलेशनशिप हो, आपको क्लियर हेडेड होना है. आपको अपने टेम्पर को काम रखना है. आपको इफ यू आर टू अर्जेंट, अगर आप बहुत एक्साइटेबल हो, बहुत अर्जेंट एनर्जी में जा रहे हो तो आप अपने आप को डैमेज करोगे, अपनी एनर्जी को डैमेज करोगे. लेकिन अगर आप जेंटल हो, कॉशियस हो, तो आप क्लियर बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे वे. और जितना स्ट्रांग आप रहोगे रिमूवल को, ब्लॉक को रिमूव करने के लिए, इस ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए, उतना जल्दी आप इसको रिमूव कर पाओगे. विथ टाइम एंड अटेंशन आप ऑल द वेज टू योर ड्रीम्स विल ओपन. तो टाइम और अटेंशन देने से आपके सपनों का रास्ता जो है वो खुल जाएगा. नाउ दिस इज वेरी पावरफुल. मुझे 10th of July की एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल लग रही है इन द होल वीक. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा एक्शन, कुछ बहुत बड़ा रिसोर्स ओपन होना, कुछ नया, कोई नई बिगनिंग होना, कोई रास्ता क्लियर होना, कोई फाइनल स्टेप लेना, कोई फाइनल डिसीजन लेना, वो 10th of July को होने वाला है. अगेन संडे है, संडे को वैसे तो बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी कंप्लीशन जो है वो 10th of July को होने वाली है. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर. सी ओपनर, वॉट बेटर कैन यू आस्क फॉर. ओपनर है यहाँ पे, एक पेनी है. अगर आप यहाँ देखेंगे क्वीन एलिजाबेथ
क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड इस पे लिखा हुआ है। ये मुझे यूएस की एनर्जी के साथ भी थोड़ा सा कनेक्टेड लग रहा है, या यूके की एनर्जी के साथ, या क्वीन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड लग रहा है। दिस इज ऑल्सो, दिस कुड बी रिलेटेड टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि कल की एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी, ओपनर की एनर्जी है, एंड देन देर इज एनर्जी ऑफ फ्लाइट। एंड अगेन, अगर ट्रेन है, देखो ट्रेन है, घोड़ा गाड़ी है, और अब फ्लाइट जो है वो भी आ गई है। सो इट इज़ लाइक दैट एनर्जी, जहाँ पे सब कुछ जो है वो सामने आ गया है और एक्शन जो है वो लेना ही है। इट इज़ गोइंग टू ओपन, एवरीथिंग इज गोइंग टू ओपन अप। सो इट इज़ द एनर्जी ऑफ ओपन अप। और मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई का एंड जो है वो बहुत कुछ बड़ा जो है वो लेकर आने वाला है, क्योंकि लास्ट दिन है। आई एम फीलिंग लाइक रीडिंग दैट बुक, और दिस इज ओके, लेफ्ट राइट दोनों साइड का थर्ड थर्ड दो होगा। ओके, लेफ्ट और राइट दोनों साइड का थर्ड थर्ड इज व्हाट आई एम गोइंग टू रीड। ओके, सो थर्ड यहाँ पे टेक्निकली 1, 2, 3 ये बनेगा, और ये बोलता है द सूर्य जो है वो डिस्पेंस gain from people in high positions like those in government and those who are greatly honored in some way, including one's father. It is good for personal and spiritual ventures in which we seek and attain the higher level of individual achievement. Such activities will be successful at this time, particularly if we initiate them on a Sunday. Now what बेटर कैन यू आस्क फॉर? संडे की एनर्जी है, हम संडे की बात कर रहे हैं और संडे ही कार्ड में आ गया है, और सूर्य की एनर्जी भी आई है, और ये बोलता है चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हाई पोजिशन हो, चाहे कुछ भी हो, आपको कुछ भी इनिशिएट करने के लिए ये संडे की जो दिन है ये सक्सेस लेके आएगा, और आज का दिन डेफिनेटली कुछ इनिशिएट होगा जो सक्सेस की तरफ जाएगा। 1, 2, 3 एंड दिस इज वेंसडे, तो संडे से वेंसडे के बीच में आप कुछ देखोगे। वेंसडे इज द डे ऑफ मर्करी, बुद्धा इज फेवरेबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द प्लेनेट विच आर ऑफ एन एजुकेशन और कमर्शियल नेचर। दीज इंक्लूड राइटिंग, टीचिंग, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन वेंचर्स। मर्करी ऑल्सो रिलेट्स टू चिल्ड्रन। द डीटी ऑफ द प्लेनेट इज लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ, टू हुम रामा इज एन इनकार्नेशन। सच मैटर्स शुड नाउ बी अटेंडेड टू। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। तो बेसिकली संडे को कुछ शुरू होगा, इनिशिएट होगा। दिस कुड बी रिलेटेड टू चिल्ड्रन, दिस कुड बी रिलेटेड टू एजुकेशन। ये कोई बहुत बड़ा कम्युनिकेशन हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा कंप्लीशन हो सकता है। संडे को वो इनिशिएट होगा और वेंसडे तक उसकी कंप्लीशन होगी और वो हमारे सामने होगा। और ये संडे टू वेंसडे का जो टाइम लाइन है, विच इज 10 से 14 जुलाई, ये इनकार्नेशन लॉर्ड विष्णु की रीइनकार्नेशन से रिलेटेड भी है। तो ये कल्कि से रिलेटेड भी कुछ इस टाइम पीरियड में हो सकता है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि बुद्धा भी आ गए और विष्णु भी आ गए। तो लॉर्ड विष्णु के ही लास्ट, कल्कि से पहले वाले जो थे वो बुद्धा थे, उससे पहले वाले जो थे राम थे। तो कहीं अब कल्कि की बात हो रही है, और ये मैटर्स जो हैं शुड नाउ बी अटेंडेड टू। तो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग, दिस इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग। और लेट्स होप कुछ बहुत अच्छा हो, और बाकी हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और फीडबैक जरूर दें। टेक केयर, बाय, थैंक यू।